जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, गारंटी है मेरी, उस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। SSC GD में आपको कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन आपको फॉलो करने के पड़ेगा। मैं आपको एक दो चार चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में, दो चार सटीक बातें बताऊँगा, सीधे आपके सीधे दिमाग में लगे वो बात। दोस्तों SSC GD के पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत सारे नए बच्चे से जुड़ते हैं वो भी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट के टाइम पर वो रोते हैं। उसका रीज़न है कि उनको लेवल नहीं पता होता। दोस्तों SSC GD आप जो लूसेंट की बुक पढ़ रहे हो, GK की या मैथ की जो बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो लेवल दिया होता है बहुत ही तगड़ा लेवल दिया होता है। वो कमाइंड बुक बनाते हैं, मतलब हर एक कंपटीशन के वो अपनी बुक चले इसलिए बनाते हैं। अब मान लो लूसेंट की आप बुक पढ़ रहे हो, लूसेंट की बुक में इतना डीप GK दिया हुआ है जो उसका लेवल आप पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो GK पढ़ने का, जैसे बहुत सारे बच्चे उसमें डूब डूब के पढ़ते हैं, टाइम खराब करते हैं। दोस्तों SSC GD का एक लेवल है, इसमें इस लेवल से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये 10th क्लास पास की वैकेंसी है, और 10th क्लास पास में भी इस वैकेंसी का जो लेवल रहता है एग्जाम का, आप सोचिए 100 में से भी ऊपर नंबर, मतलब 100 में से 105 नंबर भी आए तो लेवल सोच लीजिए ना, क्या लेवल है। अब आप बोलोगे 105 नंबर कैसे आए सर, तो नॉर्मलाइजेशन जिस एक बंदे के ऐसा था, वो मेरे पास में उसका स्क्रीनशॉट भी होगा, उसके नंबर थे 92, नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर प्लस हुए थे 13, तो उसके हो गए 105। यानी 92 वो हार्ड से हार्ड शिफ्ट में लेके आया है। अरे जब वो 92 लाए तो आप 80 तो ला सकते हो, मतलब बहुत ही इजी लेवल होता है। वो लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक SSC GD के लिए अच्छी बुक की तलाश में हो या अच्छी बुक नहीं खरीदी, तो दोस्तों ये मॉडल पेपर की बहुत ही शानदार बुक है SSC GD की। इसमें जो मॉडल पेपर है उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है, गाइड बुक भी आती है अग्रवाल की ऑल इन वन, अगर आपने वो भी परचेस करना है तो उनके दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है मॉडल पेपरों को, ओल्ड पेपर भी दिए हुए। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। बहुत ही अच्छी बुक्स है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी काफ़ी मदद करेगी ये बुक्स। अब बात करें कि इसका लेवल क्या होता है। दोस्तों मैथ का जो SSC GD में जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊँ, मेरे जो SSC GD 2018 में 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब 15 वाली वैकेंसी थी, तो मेरे 50 में से 50 नंबर थे मैथ और रीजनिंग में। आप देख लीजिए क्या लेवल रहता है, और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट में आर्ट्स का हूँ, और नंबर थे मेरे 50 में से 50। अगर किसी को शक है तो मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी पोस्ट पे लगा भी दूंगा। ए भाग बी भाग के नंबर देते हैं, इसकी जब मेरिट निकलती है ना, मेरिट में ए और बी भाग के नंबर हमेशा बताते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास में स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दे सकता हूँ। तो यानी 50 में से 50 नंबर, मैं कोई इतना धुरंधर तो था नहीं, हाँ जरूर मैं मैथ अच्छी जानता हूँ, रीजनिंग भी अच्छी जानता हूँ, पढ़ाता भी था, लेकिन ये नहीं कि बस 50 में से 50 नंबर कोई ला पाए। कंपटीशन में 10th क्लास का बोर्ड नहीं है कि एक फिक्स किताब में से आए, कंपटीशन में 50 में से 50 नंबर। लेकिन SSC GD के एग्जाम में ऐसा होता है क्यों, इसका एक फिक्स लेवल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही तगड़ा डीप क्वेश्चनों में फंसे रहते हैं, लेकिन आता है इसमें ऊपर का है। इसीलिए मैं ओल्ड पेपर आपको बता रहा हूँ, उनमें जाके देखना इसके क्वेश्चन में। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपना टाइम खराब करो, उसके बजाय इसके लेवल के क्वेश्चन पढ़ो। इसके लेवल के क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपकी उसमें स्पीड बनेगी और आप नंबर लेगो। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, जैसे 50 नंबर की आपकी मैथ और रीजनिंग आएंगी, मान लो उसमें 5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए, लेकिन 45 की तो गारंटी है मेरी 10th लेवल से बाहर नहीं जाएंगे, मतलब एक मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो, 1 मिनट 30 सेकंड 25 सेकंड। तो आप सोचिए ना, 30-25 सेकंड में अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसका लेवल क्या रहेगा SSC GD में। अब आप क्या करते हो, जिसमें 10-10 मिनट लगती है ना, उस क्वेश्चनों में पढ़े रहते हो। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताया था, मैथ पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप इजी क्वेश्चनों को पहले सीखो SSC GD के लिए, फिर जितना थोड़ा सा टिपिकल कर पाते हो उतना करिए, लेकिन सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चनों पे फोकस करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन सीख लीजिए, हर एक पर्सनावली की, अंकगणित से एडवांस मैथ तो इसमें आती नहीं, तो अंकगणित की वो चीज़ें सीख लीजिए। GK में आपको कुछ दो चार चीज़ें बताता हूँ, इसमें एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पक्का आता है, एक राजधानी का पक्का आता है, एक मिनिस्ट्री का पक्का आता है, करंट GK के पक्के क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों को आप कवर करके हमेशा चलिए। साइंस के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स क्वेश्चन आते हैं, आप ओल्ड पेपर देखोगे उनमें से ही रिपीटेशन क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। हिस्ट्री में से जो नवीन हिस्ट्री उसमें से आते हैं, पुरानी जो हिस्ट्री उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें उस पेपरों में जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो GK के 10-12 नंबर आप ऐसे पक्के कर सकते हो। हिंदी का कोई इसमें खास लेवल है ही नहीं, आसानी से अगर आप मेरे ख्याल से 1 महीना भी हिंदी पढ़ोगे तो इसकी हिंदी कवर कर दोगे। तो होता क्या है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं बाद में रोते हैं, उनका रीज़न ये होता है वो एग्जाम सेंटर में जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चनों में अपना खोपड़ा खत्म किए हुए होते हैं, इजी क्वेश्चन उनसे होते नहीं हैं। जबकि गारंटी मेरी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें 45, आप सोचिए ना, मेरे 50 में से 50 नंबर, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ मैं मैथ से, तो मतलब क्या लेवल है मैथ का। इसीलिए आपको सबसे पहले सीखने हैं इजी क्वेश्चन। GK के लिए मैं बता दिया, करंट GK से आप जुड़े रहिए, करंट GK के साथ साथ क्या करना है,
जैसे खेल हो गए, राजधानी हो गया, कौन सा खेल किससे संबंधित है, तैराकी वाले, कौन से खेल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये कुछ फिक्स है, ठीक है। कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, ये फिक्स क्यों सुनाते हैं इसमें जीके ये? अब देखना ओल्ड पेपरों में ये फिक्स आते हैं। मैं जीके से रिलेटेड आपको एक पूरा वीडियो भी दे दूंगा कि इनसे बाहर नहीं जाएगा, उनसे बाहर जाता भी नहीं है एसएससीटी में। आप ओल्ड पेपर मिलाओगे, आपको आइडिया भी लग जाएगा, कोई एक दो क्वेश्चन बाहर भी जा सकता है, वो बात अलग है। तो कहने मतलब आपका 13-14 नंबर जीके में 15 नंबर आ जाए उतना आइडिया दे दूंगा, और 50 में से 50 आप इधर करते हो और हिंदी में मिला के आपके 80-85 नंबर बनते हैं तो आपका नंबर सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इस प्रकार से ही पढ़ना है आपको, उसका लेवल देखना है। तो मैथ का जो अंकगणित का लेवल है, 10th क्लास का लेवल है दोस्तों, यानी एक मिनट के अंदर जो क्वेश्चन हो जाए वही लेवल है। अभी आपको उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप फिर बाद में सोचना कोई बंदा इसको एक मिनट में कर सकता है, यानी आसान क्वेश्चन है। तो वही लेवल मिला ही, ज़्यादा डिफिकल्ट में ना फंसे, एडवांस मैथ में ना फंसे और ना ही जीके में ज़्यादा फंसे, यानी बहुत ज़्यादा पहले इजी सीखिए। आपको अगर नंबर लाना है तो एसएससी जीडी के हिसाब से तैयारी करिए, इसके लेवल से तैयारी करिए, तो गारंटी मेरे को आपको कोई रोक नहीं सकता। हिंदी इसमें बहुत ईजी आती है, बहुत ईजी वाली चीज़ें आप याद करिए, गाइड बुक ले आए, एसएससी जीडी के लेवल की लाए और उससे पढ़े। जय हिंद, जय भारत।